एक खास मुलाकात देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ नरेंद्र पाल सिंह जगदेव। और दर्शकों अज असी इस मंच के उत्ते जिस खास शख्सियत नूं तुहाडे रूबरू करना है पंजाबी दे मन्ने परमन्ने गीतकार ने देव थरीकियां वाला। सत श्री अकाल आपू जी, बहुत बहुत स्वागत जी। अच्छा पहला सवाल जी, जेडे दौर दे तुसी गीत लिखे हैगे ने उस दौर दे गायकां ने रिकॉर्ड करवाए हैगे ने बहुत ज्यादा फेमस होए ने, ओ दौर दे गायकां नाल अज भी जेड़ा परिवारक संबंध ने राबता तुहाडा उसे तरह कायम हैगा जिस तरह उस दौर दे विच सीगा जी? हाँ नरेंद्र जी, मैं कहना जिन्हां लोकां नाल उदों तुरिया अजे तक कुकणी मैं चल रहा, जिन्हां ने मेरे उदों गीत गाए, बहुत समा हो गया क्योंकि उहदे विच करमजीत धूरी अपने बजा चले गए परलोक सुधार गए, उन्हें परिवार नाल मैं अजे वरदा वा। करनैल गिल अजे ब्याह शादी कट्ठे होंने, कुलदीप मानक मेरा अपना नेड़े दा, सुरिंदर सिंधा मेरा साडू आ, ऐ वरत वरता उह कहीं चल रहा, मैं किसी ने तोड़दा नहीं है क्योंकि मेरा सुभा देखो मैं मतलब लई नहीं तुरै किसी नाल भी मैं गीत लिखा मेरे गीत गावे। कई तो लोग इस तरह तुरद है ना भी वह मेरे काम आया तो मैं वो काम आव, पर मैं सोचता भी मेरे इन्होंने लोगों नाल यार संबंध पै गए, मेरे ये भैन भरा ने कोई बड़ा कोई छोटा, तो मैं इन्होंने उस तरह वरता गीतकार के तौर पर ना वरता, मैं देव हरदेव के तौर पर वरता, यह मेरे नाल सुरिंदर तौर पर वरते, वो मानक बन के वरते, यह ना हो गायक आ मैं गीतकार हाँ ये मेरा सुभाव नहीं। अच्छा जो तो नाम है जी हरदेव सिंह, हाँ जी वो वड्डा है हुण जां देव तरीके वाला पक्का ही तुहाडे नाल नाल जुड़ गया, हरदेव तो लोग मिला दा भुल गए ये गल बड़ी शशो पंजाली आ। हरदेव सिंह तो हुण मेरा दस्खत वाला नाम सी ना कागजां च, हुण मैं दस्खत तो करदा नहीं कि जाके मैं स्कूल मास्टर रहा नहीं है, रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं देव तरीकों वाला दा सवाल लैना बहुत है मैंने नौ जरा कहना, जो मेरे कोई देव कहता मेरा हाणी तो मेरे तो बड़े तो मैं बड़ा खुश हूं बी ये मैंने सवाल का नाम लगता छोटा नाव देव देव जी बड़ी वधिया आउंदा लगा। अच्छा तुसी क्या भी मैं किसी नाल संबंध नहीं तोड़दा हैगा, मैं उम्मीद बनाई रखे ने जिस तरह उस दौर दे विच सी जी, हां उहनां वल्लों कदे इहो जिहा कोशिश कीती गई है भी देव नाल गुस्से हो गए गिला प्रगट करता आ? नहीं कई कई हैगे जिहड़े क्यों साडा जिहड़ा खेतर ना गीतकारी दा ते गायकी दा इहदे विच कई थोवें रुकावटां भी आईआं कई जगह आ के मेरे नाराज भी होण दी कोशिश कीती, पर मैं आऊगा करता सी गल बई छड्डो परे की आ गल यार, अगले नूं समझा लैणा भी की हो गया जे उहने गीता गा लिया तूं आ गा लिया फर्क नहीं कोई पैंदा हैगा, मैं मेरी कोशिश हुंदी है मैं किसी नाल बिगड़ा ना। अच्छा तुहाडी शख्सियत एक पक्ष बहुत उसारू ते वधिया इह आ भी तुसीं जमीनी पद्धर नाल बहुत ज्यादा जुड़े होए हो, उहदा कदे नुकसान होया आ? नहीं नहीं देखो ये तुहानू मनिंदर जी बहम आ भी जिहड़ा जमीन छड्ड जांदा नुकसान हो जांदा, हाँ ये जरूरी गल बात तुसीं जिथों धरती ते तुरन वाले जिहड़े मनुख ना उहनां नूं लोक बहुत चंगे मानदे ने, जदों बंदा हवा चुटदा हवा चुड़न वाला मनुख तो फिर क्योंकि थले आना ही आना है ना, देवता जितों तुरया सी जिहड़ी धरती तुरदा उस तरह तुर रहा। हाँ एक बार मैं ये महसूस करता ना भी मनुख दे विच इन्नी शक्ति होनी चाहिए आ जदों धरती ते तुरदा घट्टो घट धरती महसूस करे भी एक बंदा लंघ गया, यह ना पता लगे भी एवं नहीं गया कोई, तुहाडे विच इन्नी शक्ति होनी चाहिए भी तुसीं जदों तुरे जाने हो और धरती महसूस करे तो लोग महसूस करदे ना फलाना बंदा जांदा। अच्छा अपनी किसी आदत दा जिहड़ी तुसीं आदत हुण तक छड्डनी चाहुंदे सी नहीं छड्ड हुई हैगी, कोई इहो जी आदत है जिहदा देव तरीकां नूं अफसोस होवे? यार अफसोस तां इह आ भी मैं घुट लाउण दा शकीन सीगा, हुण ज्यों ज्यों बुढ़ेपा वधदा जांदा 72 साल दा होण वाले नेड़े आ गया हुण महसूस करदा मना दफा कर इहनूं, पर मैं छड छुट के फिर कदे कदे दो पैग ला ली जा की करी हाथ नहीं हैगी, वैसे बारिशा भी कह गया बारिशा ना जांदियां ने भावे कट्टीए पूरियां पूरियां जी, हुण जदों शरीरक तकलीफ हुंदी है ना मैनूं ते मैं सोचता ना छड्ड परे यार, फिर सवेरे उठ के जदों कन्ना नूं हत्थ च लाई जाने सच्चे पातशाह बख्शी, सच्चा पातशाह कित्थों बख्शूगा जदों आप ही पंगा फेर लैणा। बहुत पीती है जी मैं लगदा तुसीं तां अपनी लाइफ। नहीं नहीं इहने नहीं पीती हैगी, ओह जिवें कहिंदे ना बदनामी बहुती हो गई क्योंकि मैं जकदा नहीं सी, मेरा सुभा सी जिथे बह के यार क्यों की तो होंगे ना बई वो यार लोके हो जो पासे पासे खड़ जो, क्यों यार तुसीं इक इस धरती ते आए हो तुसीं इंसान हो तुसीं क्यों पर्दे च करदे फिरदे हो, पर्दे च रहण वाले लोग मैनूं चंगे नहीं लगदे, तुसीं सीधे स्पष्ट साफ होने चाहीदे आ तां कि तुहाडे बारे तुहाडा समाज जाणदा होवे इह बंदा कौण आ, एवें ढिड च गल्लां कुछ होर लई फिरनियां उपरों उपरों कुछ होर बने फिरना, मोहम्मद ठगणे बंदिया नाल मैं बहुत चंगा नहीं समझदा, नफरत जी है मैनूं, नफरत मैं करदा नहीं। अच्छा बापू जी तुहाडे बनाए हुए दो गायक तां इहो जिहे ने जिन्हां दे गीतां नूं जेकर उहनां दी लाइफ चों माइनस कर दईए मैनूं लगदा पिछे कुछ नहीं बचना हैगा, खास तौर ते कुलदीप मानक ते सुरेंद्र छिंदा उहनां दे गायक जिहड़े तुसीं उहनां नूं लिख के गीत दित्ते सी उह जेकर घटा दईए पिछे मैनूं लगदा जी फिर तां उहनां दी जिहड़ी एग्जिस्टेंस आ होंदा बहुत पिछे ही रहि जाणी आ कितें।
कदे माण महसूस हुंदा वी इह बंदे नूं मैं बनाया है। नहीं नहीं मैं नहीं बनाया उहनां नूं, मैं नहीं बनाया, मैं कहिंदा उहनां ने मैनूं बनाया। मैं इह सोचदा हां, उल्टी गल है इह वी, मैं सोचदा हां जे उहनां दी आवाज़ मेरे गीतां 'च कढ़ती जावे मेरे गीत जीत जीरो हो जाणगे, क्योंकि पंजाब दे विच कोई इह जी आवाज़ नहीं सी जिहड़ी लोक गाथा गाउंदी। गीत मैं जिहड़ियां लिखियां ना, मेरा कम वर्क है जिहड़ा बहुत लोक गाथावां दे उपर, कि लोक गाथा गाउण वाली आवाज़ सुरेंद्र शिंदे दी आ जां कुलदीप माणक दी आ, ते मैं उह फिर जे इहनां दी आवाज़ ही कढ़ती ते गीत खत्म हो गए देव त्रिकाणा खत्म होने नाल। इस लई मैं इह नहीं कहिंदा वी मेरे गीतां नाल उह जिउंदे ने, मैं उहनां दे उहनां दी गायकी आवाज़ नाल मैं जिउणा कीता, मैनूं उहनां ने कीता गीत। मतलब जिहड़ी इह ठीक है, असीं दोने दोने तरहां बराबर दा, गीतकार वी बराबर दा, गायक वी बराबर दा, ना तो उन्होंने चो मैनू मनफी किया जा सकता ना वो मेरे चो मनफी की जा सकते। पर फायदा मैं लगता ज्यादा जो गायक हट जाते हैं गीतकार थोड़े जहा पिछे रह जाता, पहचान पक्षों भी पैसे पक्षों भी। नहीं तो यही कारण है बड़ा भी, गीतकार आ जरा स्टेज के पिछे रहा, वह गीत लिख के दिता, लोगों सामने नहीं आता है, क्यों गायक है जो स्टेज पर जाता, स्टेज के उपर जो लोग सुनते पैसे उन्होंने देंगे, पैसे उन्होंने देंगे, वो जी कमाई है रॉयल्टी की कमाई जी सू कमीशन आता रिकॉर्डा का वो तो बराबर का ही साडा, पर जो इन्हों वाधा तो भी इस जो स्टेज पर पैसे मिलते हैं इन्हों कोई 60,000 लगा कोई 70,000 लगा, गीतकार तो लेंदा नहीं कुछ भी जो रह के वह तो जे किसी देते उ लैने। इसलिए एक तो गीतकार की लोगों तक जान पछाण नहीं जाती, पता नहीं लगता, नौ तो जानने लग जाते लोग भी ये देव त्रिकाणा का गीत आ, वो यही देखते भी देव त्रिकाणा कोई है कि मैं चाहे कितने खड़ा होव मैंने लोग नहीं पछाणते, वो जो पता लगता भी ये देव त्रिकाणा फिर वो हैरान होंगे। अच्छा जे माणक जां छिंदा नहीं गया जाता जां कोई होर गायक नहीं गया जाता उन्होंने लोग फट पछाण लेंगे, क्योंकि गीतकार की पछाण तो नहीं बनती स्टेज पर नहीं जाता है। अच्छा हम बनने लग गई पैसे दी, हाँ हम बनने लग गई मीडिया वाले, जो अभी टीवी से जाने टीवी लोग पछाणने लग गए भी आह देव त्रिकाणा से गल करता। अच्छा तुसी पहचान दी तां लंबी चौड़ी जिहड़ी व्याख्या परिभाषा देती है जी, पैसे दी गल करिए तां किसे गीतकार ने दस्सिया वी इहनूं किन्ने पैसे बनते हैगे ने जी? नहीं देखो गीतकार नूं पैसे बहुत घट बनते हैं, गीत इह तां दुखांत है जिंदगी का, भी घट्टो घट इन्हां नूं गायकां नूं चाहिए सारियां नूं समुचे गायक है जिहड़े जिहदा भी कोई किसे दा गीत गाउंदा, जिवें रायकोट दे गीत जिन लोगों ने गाए वो आर्थिक तौर पर रायकोट जो तंग होया इन्हां दा फर्ज बनता सी मदद करनी। देखो गीतकार दे कोल जो गीत गायक गीत लिजांदा उहदा फर्ज बनता उन्हों कुछ ना कुछ हथ पला झाड़ के जाए ता कि रोटी गीतकार ने भी खानी। मेरा तो दुखा भी नहीं जिंदगी रहा, मैं तो कायम रहा कि मैं स्कूल मास्टर सीगा, बाकी तुम मैं दस दिना भी मैनू हूँ भी रॉयल्टी आ जाती है, पेनशन मिलती है, एक पेनशन मेरी जी सोसायटी आ सुखदेव अटवाल ने बनाई हुई वो 200 पाउंड मैंने दी जाते हैं। मैं तो कायम हाँ कि आम करके गीतकार जरा बहुत तंग आ, पर कई गीतकार जोड़े अज दे गीतकार जोड़ते गीत वो मैं कई बार कहता मेरे को बैठे ही कही जाएंगे बापू जी मैं 20,000 गीत का लैंदा, कोई कहना 35,000 लैंदा, मेरा ढिड हसदा हुंदा भी भड़ूआ मेरी सारी जिंदगी बीत गई इस काम दे विच, ये कुत्ते काम चो मैं तो कोई खटिया नहीं, तू कितने 20,000 कि दे दू है ठीक है, तो मैं सोचता हाँ भी ये क्यों झूठ बोलते हैं। मैं नहीं कदे गल करता, मैं तो जो कोई 5 पैसे दे गया 5 ही दे गया भाई, जे मैंने कोई 5 नहीं दे दिता मेरा यह भी सुभाव है भी गीत लै गया कोई कहता बापू जी मैं मेरा हाथ तंग आ मेरे को है नहीं, मैं पछाण भी लैंना भी तो मेरे अरगाई आ फकर आदमी आ उन्होंने कही तू लै जा यार जो कामयाब हो गया फिर दिखी जाऊ। चलो आप जी एक ब्रेक ले लीजिए, टोक रहे हैं तो निजी जिंदगी पंजाबी गीत संगीत दे बहुत सारे कर रहे हैं जी, छोटे जे ब्रेक तो बाद मिलते हैं। दर्शको इसे मंच से देव तरीके वाले गलबात साड़ी जारी रहेगी। ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी प्रोग्राम एक खास मुलाकात के मंच के उत्ते, आज सामने इस मंच के उत्ते आए हुए ने गीतकार देव तरीके वाला। कदे तो आड़े जहन चाया भी मैं भी गायक बन जा? नहीं नहीं कदे नहीं आया, क्योंकि मैं अजकल बड़ा महसूस करता हाँ भी जिहड़े गीतकार गायक बन रहे ये क्यों बनते हैं, जदों मेरे च कला ही नहीं है गाउण की, मेरे को आवाज ही नहीं है, मैं एवं धक्के खाने ये साढ़े खेत्र बड़े लोग फेल हुए हैं, मैं नाँ नहीं लेंदा वो गीत चंगे लिखते थे गीतकार तो जो गायक बनने शुरू कर देखे पैसे बड़े बन गया तो उधरों ही मार खा गए उधरों ही मार खा गए, तो देखो बंदा तो एक चाल चल सकता दो चाल चलन का ठीक नहीं रहता दो बीड़ी का सवाद डुब भी जाता हूँ, क्योंकि तुम भी कहने ना भी कहानीकार बनना चाहते बन गए? नहीं मैं गीतकार तो गायक नहीं बनना चाहता कहानीकार बनना चाहता, मैं लेखक रहना चाहना, मैं लेखक रहना चाहना, मैं आवाज मेरे पल्ले नहीं, मैं क्यों गायक बना मैं लोड़ ही नहीं गायक बन रही, हाँ कहानी की मैं तलफ आ क्योंकि मैं मुड़ तो कहानीकार से जो मैं कहानियां दुवाटे छड़ के गीतकारी वाल तुर पिया धक्या धकया मैं गीतकार बनना नहीं चाहता मेरे तो हूं भी पछतावा क्योंकि मैं चाहता सी मैं कहानीकार बना मेरा नौ साहित्यकारां चावे चलो ठीक है भी जिधर नूं तुर पिया
पर हुण बनेरियां ते नौ बजण नाल देर फ्रीकियां वाला कहानीकार नाल भी ज्यादा मशहूर हो गया। पर इन्नी कु मिला दा टास्क जरूर होनी है कि साहित्य जिहड़ियां जदों विधा दी गल करदे आ उस च कहानी नूं गीतकारी तों दर्जा उच्चा उच्चा मिलदा। हाँ, गीतकार दा कोई मुल नहीं है, गीत नूं अजे भी नीवां समझा जांदा, इह साडा ही कसूर आ क्योंकि गीत दे विच अजर भी मुढ तो कदीम तो लैके हुण तक भी लचरता तुरी आ रही है। जिथे चंगे गीत लिखे जा रहे ने उहदे नाल माड़ा इक अद्धा गीत भी वह कोकड़ू का काम करता दाल च ते उह सानू लै डुबदा। इसलिए जिहड़ा ना साहितकारां दी गल आ इह सानू गीतकारां नूं मानता नहीं दिंदे। ते देखो हुण भाषा विभाग वाले आ उन्होंने श्रोमणी पत्रकार श्रोमणी कहानीकार श्रोमणी नावलकार श्रोमणी ढाडी ईवन सारे सन्मान रखा है। श्रोमणी गीतकार गीतकार का कितने सन्मान नहीं है। वो कारण वड्डा ही है भी गीतकार चंगा नहीं लिख रहे, जे चंगा लिखण इन्हां दे सन्मान होवे कसूरवार कोई महकमा नहीं है। सानू यही लोग प्यार देण साडे ही बंदे विच जिहड़े कहिंदा गुसल पेट करके जिहड़े उही आ बड़े जिहड़े जोड़दे ने लचरता लचर गीत लिख रहे ने माड़े गीत लिख रहे ने धी भैण दे रिश्ते नहीं पछाणदे गीतों के मैं जिक्र नहीं करना चाहता किसान उन्होंने ना इस गल थले दबता। पर बापू जी एक आलोचना यह भी बहुत ज्यादा होंगी तुहाडे दौर की जिन्ना उदो लचर लिखा गया गाया गया उन्ना तो हूं रत्ती भर भी नहीं है। नहीं नहीं यह गल नहीं है, ये तुसी गलत गल करते हो नरेंद्र जी। यह जदों मुढ़ कदीम तो गीत तुरिया ये जदों तो ही मतलब एक पासे सुचे गीत आ रहे ने एक पासे माड़े गीत आ रहे सीगे। देखो मेरी गल सुनो, साडियां जिहड़ियां बोलियां ने साडियां पंजाबी साहित विच जिहड़ी बोलियां असल तां जिहड़ा पहला गीत आ साडी मां दी लोरी आ जिहड़ी साडे कन्न च पैंदी आ। बिलकुल ठीक है, जदों असीं तुरदे आ उत्थों फिर छंद आ जांदा टप्पे बोलियां सुहाग सिठणियां ब्याह शादियां बैण भी मनुख दे गीत ही ने, जो मरदा उह जवानी च नचदा टपदा बोलियां पाउंदा उह भी गीत ही ने साडे, उह लोक गीत ने जाणी। ते देखो जिथे साडे लोक गीतां विच भी कई थोमें माड़ियां बोलियां आईयां चंगियां बोलियां भी आ। बिल्कुल ठीक है, ते किते माड़ियां हुण पंजाबी दी बोली आ भोगला मना च तला के लिखियां लेख दियां किन्नी सुआदली गल आ। इहदे विरुद्ध इक बोली आ मैं तुहानूं बोल नहीं सकदा, इस ते मैं दर्शक दा रूप रो रहा उह मंदी आ। इस तरां साडे गीतां विच मुढ कदीम तों आया हुण तक तुरे आ रहा। पर इह जरूरी गल आ भी जिन्हां लोकां ने इह ड्यूटां विच गंदे गंद दी निप नहीं रखी कोशिश करिए चंगे दुगाने चंगे गीत ज्यादा आ जाण ताकि मिट्टी पै जावे माड़े गीतां दे उपर। अच्छा, देव तरीके वाले बहुत सारे हिट गीत ने जी, आप इत्थे गिणन लग जाइए तो प्रोग्राम गिणन च लंघ जाना आ। जे अज की डेट च कहा जाए भी एक कैसेट सिर्फ तुहाडे पसंदीदा गीतां दी तुहाडे लिखे हुए रिकॉर्ड करवाउणी आ, उह 10 गीत किहड़े होणगे? नरेंद्र जी, जे मैनूं इह कहा जावे ना ते मैं भागा वाला समझदा अपने आप नूं, मैनूं बड़ा कंड रासा गीतां दा किसे दे वी होण मैं उहदे चोण करके। पहली गल तां मैं आपदे गीतां दी बजाए भी लोकां नूं चुणा, हुण तुसीं मेरे गीतां दी गल कीती है, मैं चाहुंदा भी मेरे गीतां विच मां हुंदी है मां दुनिया वाले ये गीत पाया जाए, दो ऊठा वाले नी लुटके से ये गीत हो, कानू मारदा चंद्रिया शमका मैं कच दे गिलास वर्गी ये गीत हो, जोने मौड़ दा कदा गीत पाया जाए। इस तरह मैं सोचता सूर दी दी अहीर दी हाँ ते एक वो सीगा गीत पट्टे गए वैरिया नाग लड़ वे गया, एक आप मुंडे आ गई सिर ते गागर रखी नरेंद्र भी एक गीत। हुण मैं नरेंद्र जी थोड़ा होर सुनना भी गल, जदों मैं कई बार कहना शाम वेले अपने मूह चुना तो मैं फिर ये लोग थावां ला के कैसेट सी डी ला के फिर सुनना, मैनू अपना ऐ लगता भी देव त्याय लिखे आ, ये सही गल आ, सुरीत मेरी जिंदगी की सुरीत आ। मैं अपने आप नूं कहिंदा कहिंदा मैं गीत लिखदा, मैं सोचता भी तू ये लिखण वाला भी यार कमाल जिन्हें लिखे आ, मैं अपने आप नूं कहना हुंदा मेरे अंदर कोई होर देव आ जिहड़ा मैनूं लिखा रहा जिंदगी दे विच। ते मैं सोचदा मैं तो जे बन जावे कितने तुहाडी जबान मुबारक कितने मेरे वधिया गीतां दी कैसेट आ जावे मैं बड़ा खुश। मिथ के लिखिया जी कदे कि मैं मिथ के हुण आ गीत लिखण बैठा? नहीं, मिथ के लिखिया सा कदे नहीं, मिथ के जोड़ दिना जे मैनूं कहिंदे कोई मेरे साथ गीत लिख दो जी, मैं कहना भाई जोड़ दिना फिर तो मैं तुकबंदी कर दिना। कोई कोई इहो जिहा चेते है जी जिहड़ा लिखण नूं चेतना कीता होवे पर जोड़ दित्ता गया हो? नहीं, जोड़वाए आ हुण जारां दे ट्रक बल्लीए चीटी रोड ते दहाईआं पावे, लिखण नूं मेरा जी तां नहीं करदा सी, मैं जे वी कही जांदा मैं मेरा गीत नहीं है मेरा गीत नहीं है। पर ठीक है, पॉपुलर होया चलिया बहुत, फिल्म चलण दे विच लंबड़दार दे विच उह गीत दा 50% हिस्सा लोक अजे वी उहनूं पसंद करदे आ। अच्छा, एक होर तुहाडे नाल जुड़िया होया जी के देव तरीके
इस प्रोफेशन दे विच जो आया गीतकारी दे विच उदो तुहाडा ते मानक दा मेल बड़ा सुभावी होया सी किते खांदे पींदे दा मेल होया सी ते ओह जदो फिर तुसी मिले एक दूजे नू मतलब तुहाडे गीत उहदी आवाज च रच मिच के उहदी आवाज तुहाडे गीतां नू सब तो ज्यादा सूटेबल होई है मतलब कदे इहो जिहा समां भी आया है जदो तुसी इह सोचिया होवे जदो तुहाडे बुलंदियां ते होवे सितारा भी यार हुण मानक ने बहुत गीत मेरे गाते क्यों ना किसे होर पासे किसे होर गायक नाल जोड़ी बनाई जाए नहीं नहीं नरेंद्र जी गल आ भी जदो मैं ते मानक मिलेगा ना ते उहदा ने मैनूं आवाज सुनाई असीं इक हफ्ते च जाणी सी कि ढाबे ते बैठे सीगे उस आवाज में पुराना पेंडू जहा भी पैग पुग लगे सीगे उत्थे एक रिकॉर्ड चलता सी किसी का मैं दसदा नहीं गा मैं सुनया मैं क्या भी जे तेरी आवाज बहुत वधिया भी आपां इह बंदे नूं घमेर लिया लेनी आ तुहानूं पता सी उदों भी मानक बहुत वधिया हाँ हाँ आवाज मैं सुन चुका सी आवाज मैं सुनी सी भी इह बंदा लोक गाथावां गा सकदा ते मैनूं बड़ा पसंद आया इह मैनूं हस के कहिंदा कहिंदा वड्डे भाई उदों तां हुण तां बुढ़ा कहिण लग गया ना हाँ वड्डे भाई कहिंदा मैं घमेरां लिया दूं इहनां नूं तूं देखदा जा लै भी बंदे दी गल सच्ची होई मैं उन्होंने चार लोग थावां लिख के दित्तियां चारे इन्निया चलियां वह पिछे मुड़ के नहीं देखा इसलिए मानक नाल कदे भी मैं दरान नहीं किया हाँ एक मोड़ जरूर आया सीगा छिंदा हुण मेरा साडू लिख के मैं उन्होंने भी देना पैना सी छिंदा एक एक खेत्र दे विच एक बंदा नहीं होना चाहिए मैं तो कहना लोग थावां गाउण वाले बहुत होने चाहिए है ठीक है मैं लभदा फिरदा सीगा भी कोई होर लभ जाए होर लभ जाए छिंदे की आवाज भी बहुत वधिया बहुत ही वधिया गाउंदा तुसीं देखो उहदे विच क्लासिकल टच भी आवाज दे विच ते फिर मैं छिंदे नूं भी लिख के दित्तियां लोग थावां फिर सिंधे मेरी रिश्तेदारी बनी साडू बन गई साडू मेरा हो ते मानक मेरा हुण मुंडा भी आ भरा भी आ यार भी आ जुड़े यार भी कट्ठे बह के पीते भी रहे असीं ते इस लई भी मैं कदे नहीं तोहफा किया भी मानक नूं परे छड़ दें जां छिंदे नूं परे छड़ दें मैनूं वी दोनों इक्को बराबर ने चलो आप जी एक ब्रेक लै लीए जी अगले हिस्से च भी गल्लां जारी रखांगे जल्द मिलदे आ जी छोटे जिहे ब्रेक तों बाद ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी प्रोग्राम एक खास मुलाकात के मंच के उत्ते बापू देव तरीके वाला साढ़े इस मंच से आया हुआ जी गल्लां बातें करन दे लई बापू जी कुछ निजी गल्लां तुहाडे नाल इस हिस्से दे विच करूंगा जी करो जी करो करो बहुत सारिया यादां ने तुहाडे कोल गायकी खेत्र दियां गीतकारी दियां साहित्य दियां कदे जहन दे विच इह नहीं आया भी इहनां नूं मैं कलमबद्ध कर लां जी नरेंद्र कई बार चेत आउंदा मन दे विच भी मैं यार अपनी जीवनी लिख दिया स्वै जीवनी तां कि लोकां घट्टो घट्ट पढ़िया करन उहनूं पर हुण जिहड़ा ना शरीर आ मैं लिखे तो हैगा चैप्टर कोई भी पच्ची तो हुण जिहड़ा शरीर आ उह साथ नहीं देंदा कि सुस्त हो गया कम मतलब शरीर सुस्ती फड़न लग गया मैं तो जी गुजारिश करदा लिखो जी मैं तो प्रोग्राम का समय ही बड़ा घट लग रहा किन्नियां गल्लां पईआं ने जी हले तेरा क्या सिर मत्थे तू मैनूं हौसला दे रहा अंदर रब मैनूं सेहत दे मैं लिख के देवां लोकां साडी तां जी शुभ इच्छा तुहाडे नाल आ जी कि तुसीं इहो जी कोई कलमबद्ध जरूर करो धन्नवाद मैं लिखूंगा लिखूंगा अच्छा एक होर जी गीतकार दे तौर दे उत्ते तुसीं मकबूल होए हो तुहाडा नाम बणिया हैगा आ मतलब कोई इहो जिहां इच्छावां हले भी हैगियां ने गीतकारी दियां जिहड़ियां पूरियां ना होईयां होण नहीं नहीं हुण मेरे मन दे विच आ वी मैं यार अजे तक लिखिया कुछ नहीं मैं लिखिया नहीं कुछ मैं महसूस करदा 35 तो तुसीं किताबां लिखतियां जी किताबां तो लिखतियां मैं चाहुंदा भी मैं इह जी गल करदा जिहदे जाण दे बाद क्यों धरती छड्डनी हरेक ने भी जाण दे बाद बात पैंदी रहे मेरी तां ही मैं उह लिखिया कहिंदा हुण तां मेरे मन दा पंछी नवीं उडान भरे ऐसा गीत लिखां जो मैनूं जग ते अमर करे देव मगरों भी चेते रहे लोकां दे ज़हन दे विच 50-60 साल मैं चाहुंदा कुछ लिख जावां पर देखो कलम परमात्मा ने हत्थे दित्ती हुई आ उही बुद्धि बख्शे कोई शक्ति देवे आपे लिखा लूगा तेनू मैं गल सुनाउणा भी जदों मैनूं इत्थे तक पहुँचाता हाँ जी हाँ जी है इस तकदीर ने फिर कराउ तां जरूर मेरे तो कुछ ना कुछ मैं नरेंद्र पढ़ रहा सी पहली जमात मेरी दादी छड्डाई मैनूं उत्थों जो जवाकां दे कुट पई मैं नठिया आ के इक खुड्डा सी मुर्गियां दा उहदे च वड़ गया उह भाई उत्थों जवाक मैनूं लैण आ गए स्कूलों पहली जमात फड़न भी चलो देव नूं फड़ के लिआओ किथे लुक गया उह साडे पिंड दा इक सी दौलत बुढ़ा ਉਹ ਕੋਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਖੁੱਡੀ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਨੱਠਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜਿਆ ਲਫੇੜੇ ਮਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਠਿਆ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੰਡਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਦੋਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਨੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੁਰੇ ਜੇ ਦੌਲਤ ਬੁੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਨਾ ਮਰੋੜਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਤਰੀ ਬਣਾ ਨਾ ਭਾਲਣ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ
मैं हूं भी अपने पोते कहना हुआ वो मेरा मैं बुढ़े ने कन्न मुड़ा दिल देवरी कहना बन गया तू बे तो अपना कन्न ना बरवाई। अच्छा मैं नरेंद्र किना जो पढ़ाने लगे मास्टर गया लुधियाने बे तो एक जवाक उठा गया। मैं तीन घंटे घरे जाके छुट्टी तो बाद रोंदा रहा हूँ पोते पोतिया मेरे जो शरारत शूट करते मैं नहीं कुछ कहना मैं कहना चलो इन्हें देना कर यार पोचा मन पोता मेरा बड़ा वा कई बार वो इलत उलत कर जाता वा कबूतर भी रख ले पतंदर ने पिछली बार मेरा बड़े छोटे मुंडे रखे थे मैं रख ला भाई आप ही छड़ दा इसलिए मेरा सुभाव है मैं बच्चों किसी ने तू घूरता नहीं। जिंदगी थोड़ी बहुत मुख्तसर है छोटी जिंदगी है ये जिंदगी तुम अपने आनंद माण लो सुआह लै लो किसी बच्चों सिक्ख्या दो। अच्छा उम्र उम्र की जी इस अवस्था के आके अक्सर कहा जाता है कि बंदे का जो मन बचपन च चले जाता है बच्चों वर्गा हो जाता है मतलब वो सोच ओदी रहनी बहनी जिस तरह जो इच्छावां होंदियां ने मतलब देव दे मन दे विच है कोई जिहड़ा बचपन च ना जीविया होवे हुण ओ करन दी इच्छा होवे। नहीं नहीं मन दियां इच्छावां तां मनुख दियां मरदियां नहीं हैगियां चाहे मैं 71वां साल पार कर गया ते मन दियां इच्छावां नहीं मरियां मेरियां पर बच हाँ ये तुहाडी गल सही है जायज आ बई हुण ओ बचपन जरूर चेते आउंदा भई किन्ने मील दूर रह गया जो मेरे सिर ते एक जूड़ा बन्या हुंदा सी जूड़े उपर मेरी मार माल बांधी सी मैनू नंगे पैरी स्कूल तोड़ दिंदी सी मैनू वो चेते आउंदे आ जदों मेरे विहड़े दे विच निम्म दे विच मैं छोटा हुंदा तुरिया फिरदा हुंगा रुड़दा हुंगा कित्थे उदन चले गए मुड़ के नहीं आउणा उहना हुण मैं देखदा ना भी आप जिहड़े मेरे पोते पोतियां मैं आप देखी देखिया उहनां नूं रुड़दिआं हुण मैनू वो अपना बचपन देख के चेते जब मैं हुण बच्चे नूं देखदा किसे नूं तुरदे निकल जाए नूं मैं खुश होना यार देख इन्हें कल कि मनुख बन जाने। अच्छा बापू जी गायक बनया जा सकता है रियाज करके हम तो मशीन ही गाने लग गई हाँ, हाँ। मेरे वांगू पत्रकार भी बनया जा सकता है हाँ। गीतकार बनाया जा सकता जी नहीं भी गीत लेखक बनना बहुत औखा गीतकार लेखक कहो लेखक बनना बहुत औखा क्योंकि ये लोग जी रबी देना कुदरती देना जे कोई कहना किसी लिखना सिखा दे जो हूँ कोई मैंने कहेगा जी बापू जी मैंने गीत लिखना सिखा दो मेरे को कोई ऐसी पुड़ी नहीं जिहड़ी मैं दे रहा विसाह दा मूचा के भाई जा गीतकार बन जाएगा। सर तुसीं हुण दे गायकां नूं सुणदे हो जी? नहीं सुन लैना जिहड़े चंगे चंगे हैगे पर अफसोस ज्यादा हुंदा होणा जी सुण के कई वारी मत्थे ते हथ मारना पैंदा भाई इह करदे की पतंदर इह तां भाई गलत राह पै गए सी पंजाबी दे गीतकारी किन्ने मैं नाम नहीं किसी का पुछूंगा वैसे किन्ने क गीतकार ने हजारां दे विचों जिहड़े चंगा लिख रहे ने भाई थोड़ी बिलकुल नौ ते नारायण जी नूं कह दिए जिन्हां अमरदीप गिल वधिया लिखदा संधु शमशेर शमशेर कदे कदे वधिया गीत लिख दिंदा बचन बेद चंगे उहने किताब लिखी आ पिछले पिंड वाजा मारदा उहदे गीत चंगे आ राज काकड़ा अजकल वधिया लिख रहा बाऊ सिंह मान दे गीत कई बहुत वधिया आ रहे ने ते बाकी तां बई उह धूड़ उठदी आ उहदे विच छिड़ी फिरदा आपणा समान जिहा। अच्छा बापू समां घट आ जांदे जांदे इक अंतम सवाल आ जी मतलब तुहाडा जिहड़ा नाम हैगा आ उसनू हो सकदा सी बहुत ज्यादा तुसी कैश करा सकदे सी जेड़ा नहीं कराया हैगा उस चीज दा गिला है जी कोई? नहीं नंदन मैनू कोई गिला नहीं ना कैश करावे परमात्मा मैं कैश तों ही डरी जांदा मैनू दो वेली रोटी चाहीदी आ मेरे बच्चे सेट ने मैं कोठियां महलां पा के राजी नहीं हैगा छड मनुख ने देखो एक जेड़ा बंदा ना धरती ते रहण वाला पहला आपां गल कीत करती है धरती नाल जुड़िया होया उहने की लैणा जा जिंदगी च दरवेश बणो ठग चोर ना बणो जिंदगी दे विच तुसीं अपनी अहिजी पैड़ छड़ दो लोग देखण भी इत्थों कोई बंदा लंघ के गया उहदी पैड़ आ ना कि लोग यह देखण भी जारे बंदे दी पैड़ां ही मिट जांदियां आपदी पैड़ छड़नी चाहिए बंदे नूं पैड़ मिटणी नहीं चाहीदी इसलिए मैनूं कोई लालसा नहीं मैं जिंदगी तों संतुष्ट हाँ लालसा इक्को ही आ भी तुरदे फिरदे चले संसार मैनूं बहुत वधिया लग्गिया मैं जिंदगी विच संसार नूं माणिया मैनूं जिंदगी दे विच परमात्मा दा बड़ा धन्नवादी हां जिहने इन्नी तरक्की दित्ती देव फ्रीकियां वाला बणा। चलो बापू जी गल्लां फिर इस मंच के उत्ते बहुत सारिया रह गई जी फिर करांगे तुहाडी सेहत चंगी रहे जी नवे नवे वधिया वधिया गीत लिखते रहो इस मंच ते आउण दी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद नंद जी बहुत धन्यवाद तुसीं मैनूं लोकां दे मेरे दोस्तां दे पंजाबी भरावां दे रूबरू कीता मैं तुहाडा बहुत बहुत ऋणी हां। सो दर्शको तुहानूं साडी अज दी मुलाकात कहो जी लगी अपने फीडबैक सुझाव मशवरे सानूं जरूर लिख के भेजो चिट्ठी पत्र जिहड़े लिखना चाहुंदे ने साडा पता नोट कर लो एक खास मुलाकात जी पंजाबी पोस्ट बॉक्स नंबर 7 सैक्टर 55 मोहाली 1600055 ईमेल दर्शको सानू जरूर कराया करो साडा ईमेल पता है icam@znetwork.com। सो जी अगले हफ्ते एक होर शख्सियत एक होर मुद्दे नाल इसे मंच ते तुहाडे रूबरू होवांगे उदों तक लई आग्या दिओ शुक्रिया।